नमस्कार, आप सबका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा और आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़। अभी हाल ही में हमने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया है, जिस दौरान संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारत अगले साल दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश के रूप में चाइना को पीछे छोड़ देगा, यानी कि भारत देश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। और इसी कारण अब इस पर अलग अलग तथ्य सामने आ रहे हैं, अलग अलग सुझाव दिए जा रहे हैं। नागालैंड के एक मिनिस्टर ने भी एक ट्वीट किया है, जो ट्वीट काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर जनसंख्या की बढ़ती रफ्तार को रोकना है तो हमें सिंगल रहना चाहिए। उन्होंने सिंगल मूवमेंट को फॉलो करने की सलाह भी दी है और लोगों ने उनका ये ट्वीट भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, इसे काफ़ी बार रीट्वीट किया है। लेकिन आज हम ट्विटर की दुनिया से हटकर ज़मीनी धरातल पर लोगों से ये जानेंगे कि सिंगल कॉन्सेप्ट क्या इंडिया में वाजिब है या क्या इंडिया में लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो आइए जानते हैं आज आवाम की आवाज़ में लोगों की राय सिंगल कॉन्सेप्ट पे। आपको लगता है कि जो सिंगल का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में लागू हो सकता है? ये तो शादी से पहले ही लोग सिंगल नहीं रहते, शादी के बाद तो फिर क्या ही है। अवेयरनेस, एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, ये दो तीन चीज़ें मैं अगर गवर्नमेंट भी साथ दे लोगों का तो ये सिंगल सिंगल वाले ये बेतुके से मेरे साथ बड़ा बेतुका सा है। इतना कंट्रोल कोई नहीं कर पाता ज़्यादातर, और घर वाले थोड़े प्रेशराइज करते रहते हैं और इतने इतने बच्चे कर लेते हैं लोग, तो वो कम नॉलेज की वजह से ही होता है। आपको पता है जैसे कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे अभी हाल ही में हमने मनाया था, उसके बाद पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए नागालैंड के एक मिनिस्टर ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम सबको बढ़ती जनसंख्या की रफ्तार को रोकने के लिए सिंगल रहना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि जो सिंगल का कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में लागू हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मतलब यहाँ के लोगों में इतना कंट्रोल है ही नहीं कि लोग, आजकल की जनरेशन ऐसी है ही नहीं। पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, अब फिर भी कंट्रोल है कुछ, क्योंकि लोग सोचते कि हम सिंगल चाइल्ड ही करें, बट फिर भी वो चीज़ कंट्रोल, सिंगल रहना तो इम्पॉसिबल है, इन इंडिया इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। और आपको लगता है कि जो पॉपुलेशन, जैसे कह रहे हैं कि अगले साल भारत नंबर वन बन जाएगा जनसंख्या में वृद्धि के मामले में, तो क्या इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है या बुरी खबर? बिल्कुल भी नहीं, मतलब बहुत ही बुरी बात है ये कि पहले चाइना सबसे नंबर वन पे था और अब इंडिया नंबर वन पे हो जाएगा। तो और चीज़ों में ठीक है, हम लोग रहते हैं नंबर वन पे, पर ये तो बहुत ही बुरी खबर है हम सबके लिए। और आगे हम अपनी जनरेशन, आगे वाली जनरेशन को कुछ दे ही नहीं पाएंगे ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, गंदगी इतनी बढ़ जाती है, लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं किसी चीज़ का, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी हैं हम सबके लिए। सिंगल कॉन्सेप्ट आपकी समझ? बिल्कुल भी नहीं चलने वाला इंडिया में तो, ये तो शादी से पहले ही लोग सिंगल नहीं रहते, शादी के बाद तो फिर क्या ही है। मतलब लोग शादी का तो प्लान करेंगे ही करेंगे, वो तो आई बिलीव 0.5% लोग भी नहीं रह सकते सिंगल। तो आपको क्या लगता है सिंगल का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कितना इंडिया में कायम हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि लोग मतलब मानेंगे सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ, पर अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब पॉपुलेशन काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी, बट इतना वो है नहीं लोगों में कंट्रोल कि वो खुद को इतना करें और शादी ना करें। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि इंडिया में लोग क्यों नहीं कर सकते? क्या यहाँ पे शादी को लेकर एक वो बना रखा है कि शादी करना इम्पोर्टेंट? हाँ, मतलब कुछ लोगों में ऑर्थोडॉक्सी भी बहुत ज़्यादा है और इलिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है काफ़ी लोगों में, तो उन्हें इतनी समझ नहीं है, उन्हें लगता है कि यही सही है या जो पुराने पूर्वजों ने बोला या फिर जो भी पुराने लोगों ने बोला बस वही सही है, तो उस चीज़ को मान के मतलब चलते हैं। तो उनकी एक मेंटेलिटी सेट हो गई है कि बस जो उन्होंने बोला बस वही सही है, वही होगा, बच्चे करने हैं, जैसे शादी के एक साल बाद बच्चे करने ही करने हैं, फोर्स करते हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, तो मतलब उन्होंने बना लिए इसको कि बस होना चाहिए सब, मतलब अच्छी बात है। पेरेंट्स भी कुछ टाइम के बाद फोर्स करने लग जाते हैं कि शादी करो शादी करो, तो अब उनका ये पुराना मतलब सेटअप है दिमाग का। लेकिन जो आज की जनरेशन है उनमें थोड़ा है कि मतलब वो काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, वो काफ़ी सोचते हैं, और कुछ हैं जो सिंगल रह भी पाते हैं, और बस यही है कि इतना कंट्रोल कोई नहीं कर पाता ज़्यादातर, और घर वाले थोड़े प्रेशराइज करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्सेप्ट कभी आएगा, पर अगर आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि मतलब वर्ल्ड में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आई थिंक सबसे पहली बात जो है लोगों में थोड़ी मतलब इलिटरेसी को कम करो, लोगों को बेशक अगर वो नहीं भी पढ़ते तो एटलीस्ट हर जगह जाकर उन्हें थोड़ी नॉलेज दी जाए कि कितने बच्चे करने चाहिए या फिर मतलब कौन सी सही एज है शादी करने की। कुछ लोग पहले कर लेते हैं और कई होते हैं जो बहुत कर लेते हैं, तो आई थिंक कि उन्हें पहले ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि जो आप पहले मानते आए थे ज़रूरी नहीं वही
ठीक हो, अब भी अब काफ़ी कुछ चेंज आ गया है इन्वायरमेंट में, सोसाइटी में, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए, अडेप्ट कर लेना चाहिए। जो पॉपुलेशन है, क्या वो विकास की तरफ आगे बढ़ने के लिए एक बैरियर है हमारे लिए, कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हम विकास की तरफ ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे? हाँ, आई थिंक, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो लोग क्राइम वगैरह ही ज़्यादा करेंगे या बाहर चले जाएंगे, तो यहाँ मतलब इंडिया का तो कोई इतना सोचेगा ही नहीं फिर। आपको क्या लगता है कि यूथ सिंगल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर पाएगा, बाकियों का तो पता नहीं? नहीं, यूथ तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आजकल के यूथ लव, इंटीमेसी, ये सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो उनके लिए नहीं आजकल सिंगल रहना, सब रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आजकल का यूथ सिंगल तो नहीं रह पाएगा। हाँ, आफ्टर मैरिज हम पॉपुलेशन को रोकने के लिए सिंगल चाइल्ड कर सकते हैं और काफ़ी कुछ कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पॉपुलेशन पे कैसे कंट्रोल किया जाए। बट जैसे कि हम पहले से यहाँ पे एक वो लोगो चलता है कि हम दो हमारे दो, यानी कि दो बच्चे बस, बट उसके बावजूद भी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि अगले साल हम नंबर वन बन जाएंगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि काफ़ी इलिटरेसी की वजह से और कम नॉलेज की वजह से अभी भी देखा जाता है गाँव में और पिछड़े इलाकों में इतने सब जनरेशन इतनी बढ़ती जा रही हैं और इतने इतने बच्चे कर लेते हैं लोग, तो वो कम नॉलेज की वजह से ही होता है। आजकल के लोग जागरूक हो रहे हैं, कुछ लोग अब कम पॉपुलेशन पे भी करते हैं कंट्रोल, सिंगल चाइल्ड भी करते हैं इस करके, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम ना हो और आगे पॉपुलेशन का भी रहे, तो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप सिंगल रह सकती हैं? मैं सिंगल ही हूँ अभी तक तो सिंगल है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या शादी का कोई इरादा, मतलब अगर हम सोचें कि यूथ आज के टाइम पे क्या सोच रहे हैं, तो आपका पर्सनल व्यू क्या है? हाँ, मैरिज तो करेंगे ऑब्वियसली, वो तो पेरेंट्स करते हैं कि बिना मैरिज के तो आगे लाइफ कैसे ही चलेगी, वो सब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मैरिज के सिंगल कब तक ही रह पाओगे, आगे पार्टनर की भी ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी चीज़ों में हमें कोई साथ चाहिए होता है, तो मैरिज वगैरह या सिंगल रहना वो चीज़ थोड़ी डिफरेंस है। मतलब अभी सिंगल सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया के लोग जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे आपने बोला ए हम दो हमारे दो, तो जैसे चाइना में है कि अगर आपने साइड दो चाइल्ड करने के बाद अगर तीसरे का आपका कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं होगी, कुछ भी नहीं करेंगे, ना ही उसको एजुकेशन मिलेगी ना कुछ भी नहीं, यहाँ के लोग वो चीज़ फॉलो ही नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती हर चीज़ को करते हैं। अब हेलमेट के लिए कितने लोगों को बोला और नहीं फॉलो हुआ, तो वही है हम दो हमारे तो ये सब कहने की बात है, अगर यहाँ रूल भी फॉलो हो गए ना तो लोग नहीं करेंगे, और गवर्नमेंट भी क्या है वो पैसे के चक्कर में वो भी आगे बढ़ जाएगी, कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे। हाँ, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो सकता है, तो मतलब सिंगल कॉन्सेप्ट आपकी समझ बाहर है बाहर है तो मतलब यहाँ तो हमें नहीं लगता कि जो नागालैंड के मिनिस्टर जो कह रहे थे कि सिंगल कॉन्सेप्ट लाएंगे और सिंगल कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं, इंडिया में अभी फ़िलहाल जो आवाम की राय है वो तो इसके खिलाफ है। अब जानते हैं बाकी लोगों से कि उनका इस बारे में क्या मानना है। चलिए, तो यहाँ पर खड़े ही कुछ हमारे साथ युवा हैं, यूथ हैं, इनसे जानेंगे कि सिंगल कॉन्सेप्ट पे इनकी क्या राय है। मैम, आपको क्या लगता है कि सिंगल कॉन्सेप्ट इंडिया में कितना कारगर साबित हो सकता है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, हम तो खुद सिंगल रहना चाहते हैं, पर एक्चुअल में हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी को एक्सेप्टेंस ही नहीं इस चीज़ की, सो आई डोंट थिंक सो कि ये पॉसिबल है कि इंडिया वाले सिंगल रह सकें। बट ऐसा क्यों कि मतलब ऐसा क्यों है इंडिया में कि हम सिंगल नहीं रह सकते, क्योंकि आज का यूथ काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है और सोच रहा है अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए, तो सिंगल क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हमारी बैकग्राउंड ही वैसी है कि हमारे पेरेंट्स, हमारी सोसाइटी की सोच वैसी है कि वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली आगे बढ़े, तो हमारा मतलब कि उनका ये है कि हमारा वंशज आगे बढ़े, पर एक्चुअल में ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं सही है कि हम सिंगल रह के अपना कमा के अपना खुद का लाइफस्टाइल चला सकते हैं, तो हम खुश भी रह सकते हैं, बट नो दे वांट कि वी शुड मैरी। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या लगता है हम क्या कर सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए, वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि हम चाइना से ऊपर जाने ही वाले हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है, अलर्ट्स तो आ चुके हैं, सो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो स्टेप्स ले इसके लिए। और पॉपुलेशन जो है, बढ़ती पॉपुलेशन क्या हमारी विकास की गति को रोकती है? नो, वी कांट से, पर कुछ हद तक, जैसे क्योंकि हमारी जो फूड की नीड्स हैं वो हम नहीं पूरी कर पा रहे सारी नेशन के, हमारे फूड सिक्योरिटी ही नहीं है, सो उसके लिए हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि पॉपुलेशन को उतना ही रखे कि हमारी फूड्स की नीड भी पूरी हो और हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल भी जनरेट हो, क्योंकि इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है जितनी पॉपुलेशन है। और अगर ये सिंगल कॉन्सेप्ट हमें लागू करना है तो यूथ को इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि पुरानी जनरेशन तो नहीं मानेगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे अकॉर्डिंग यूथ को खुद ही ये स्टेप लेना चाहिए कि उनको चाहिए कि वो सिंगल चाइल्ड अडॉप्ट करे, चाहे वो गर्ल है चाहे बॉय है। पहली बात तो ये है कि ये सोसाइटी की सोच यही यहाँ से निकालनी चाहिए कि बॉयज़ बॉयज़ बॉयज़,
काफ़ी हद तक चली भी गई है, लेकिन अभी भी कुछ है कि हाँ बॉयज़ डोमिनेटिंग सोसाइटी चल रही है। सो हमारे यूथ ये कर सकते हैं कि वो सिर्फ मतलब कि एक सिंगल चाइल्ड ले, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय। मतलब आपके हिसाब से सिंगल कॉन्सेप्ट इंडिया में, तो आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल। अच्छा सर, आपको क्या लगता है सिंगल कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में लागू हो सकता है? लागू अभी तो हाल फिलहाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है कि अपने जो रूट्स हैं वो काफ़ी डीप हैं, उसमें ये बताया गया जो फैमिली कंप्लीट होने पे ही मतलब कि जो लोगों का जो लाइफ है वो कंप्लीट मानी जाती है, क्योंकि सिंगल अकेले रह के अपने जो आयुर्वेद एंड जो अपना जो सिस्टम है उसमें ऐसा बताते हैं कि नहीं होता ऐसा कुछ। तो शायद इस हिसाब से ऐसा इंडिया में थोड़ा मुश्किल ही है अभी हाल फिलहाल के 5-7 सालों में, लेकिन जिस हिसाब से जो पैटर्न में चेंज आ रहा है उस हिसाब से हो सकता है, ये हो भी सकता है। पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? पॉपुलेशन कंट्रोल की करने की शायद उतनी ज़रूरत है नहीं, जो पहले बढ़ चुकी है उसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन क्या है कि जैसे कि चाइना में हो रहा है कि वहाँ की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो मतलब यूथ नहीं है, वो मतलब कि ओल्ड हो चुकी है, वो तो मतलब कि इकोनॉमी और देश की मतलब कि जो बनाए रखने के लिए क्या यंग पॉपुलेशन ज़रूरी है, तो एकदम से बिल्कुल ही इस पर वो कर देना तो ब्रेक लगा देना वो नहीं है कि उचित नहीं है, क्योंकि फिर जैसे ही जैसे अगर मान लो कि हम लगा देते हैं तो काफ़ी टाइम के लिए मतलब कि जो यंग पॉपुलेशन कम हो जाती है तो किसी भी कंट्री का जो ग्रोथ है उस लेवल पर नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी है वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है इसके लिए। तो जैसा कि हमने लोगों से जाना कि इनका क्या कहना है, ये क्या मानते हैं कि सिंगल कितना ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट इंडिया में लागू हो सकता है, बहुत से लोगों से हम इस बारे में उनकी राय ले चुके हैं। ब्रेक के बाद हम और लोगों से भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, सिंगल कॉन्सेप्ट इंडिया में ईजी है या फिर नहीं। ब्रेक के बाद आवाम की आवाज़ में आप सबका स्वागत है। बात कर रहे हैं आज हम बढ़ती पॉपुलेशन की, बढ़ती पॉपुलेशन को हम कैसे रोकें इसके बारे में हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, और जो नागालैंड के मिनिस्टर ने अपनी राय दी है उस पर हर किसी के अपने अपने जवाब है, क्योंकि इंडिया में सिंगल कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ज़्यादातर देखा नहीं जाता है, और हम लोगों से यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इंडिया में जो ये सिंगल कॉन्सेप्ट है इसको हम ला पाएंगे। तो इसी बारे में हम इनसे बात करेंगे कि इनका इस बारे में क्या मानना है। सर, आपको क्या लगता है कि सिंगल कॉन्सेप्ट हम लोग इंडिया में ला पाएंगे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है इसकी जो विचारधारा है वो बिल्कुल ही अलग है। और हाँ, हमें ये ज़रूर कंसर्न करना होगा कि जो पॉपुलेशन का मुद्दा है जो अब उठा हुआ है, कि हमें एक पॉलिसी होनी चाहिए फॉर ऑल, सो दैट कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। सिंगल चाइल्ड वाली पॉलिसी हो सकती है या फिर टू चाइल्ड आप कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, मैं दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल कि अगर हम जैसे कि हमारे क्या होता है कि हमारे सोसाइटी में होता है कि लड़का लड़के को पैदा करते करते वो मतलब 2-3 संतान हो जाती है, तो हमें चाहिए कि अडोप्ट जो अडोप्ट पॉलिसी है उसको थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए सरकार ने, कि जो उससे क्या होगा, जो नाथाले आपके अगर उन्हें कोई अडोप्ट करता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होगा एक सोसाइटी के लिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस प्रकार की पॉलिसी लेके आए, और सिंगल चाइल्ड पॉलिसी भी जैसे चाइना में वो कर सकते हैं, सिंगल अगर आप सिंगल करोगे तब भी विरोध होगा, यहाँ पे आप स्टार्टिंग के टू चाइल्ड पॉलिसी लेके आओ और फिर धीरे धीरे आप कर सकते हो। लेकिन टू चाइल्ड पॉलिसी तो पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई है, जैसे हम दो हमारे दो, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं वही कह रहा हूँ ना, अवेयरनेस प्रोग्राम, जैसे कि उनको थोड़ा, जैसे आपको पता होगा कि वन डॉटर, अब जो सिंगल डॉटर उनको एडमिशन में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी सीट मिलती है, छूट मिलती है, तो ये एक अप्रिसिएट ऐसे ऐसे जो आपको रिफॉर्म करके कुछ ना कुछ करना चाहिए, इस प्रकार से आपको उनको बेनिफिट दो और ज़्यादा। और आपको क्या लगता है कि जो पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है इसको ये हमारे देश को विकास करने की गति में कहीं पीछे की ओर धकेल रही है? देखिए, पॉपुलेशन डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसका मैटर है, जॉब के लिए भी हर, क्योंकि एजुकेशन एक तरफ हम हमारी एजुकेशन बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ एजुकेशन नहीं बढ़ा रहे हम, जब तक हमारे यहाँ पे एक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी, सो दैट कि हम नौकरी तो आजकल आपको पता बहुत ही कम है, और हर घर की एक बात है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहिए, उस जो सब चीज़ है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, सो दैट जितनी भी प्रॉब्लम है ये हट जाएगी। जो आपका क्वेश्चन है कि बिल्कुल वो विकास की गति को कम करता है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आपका सब कुछ बढ़ेगा, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी सब कुछ, और विकास मतलब मेरा मानना है कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो ये मैटर करता है, करता है कहीं ना कहीं। लेकिन जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सिंगल की पॉलिसी क्यों इंडिया में नहीं ला सकते, क्योंकि आज का यूथ तो काफ़ी डेवलप है, बहुत सारी चीज़ें सोचता है, हटके सोचता है, तो इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं सोचता? देखिए, बात ये है कि जो अभी हम चंडीगढ़ में हैं,
अगर आप यहाँ से 100 किलोमीटर भी हरियाणा की तरफ जाओगे या पंजाब की तरफ जाओगे और हिमाचल में भी जाओगे, जो वहाँ का जो एरिया है आप सोच सकते हो, बात कर सकते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। सो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ एजुकेशन की तरफ, बिकॉज हम बात कर रहे हैं ठीक है, बट उनके लिए बिल्कुल अलग है। सबसे पहले आपको एक सोसाइटी तैयार करनी पड़ती है, अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, तब जाके कुछ ना कुछ हो सकता है। आपके और मेरे बोलने से तो कुछ होने वाला नहीं है, हो सकता है गवर्नमेंट के कुछ करने से और लोगों के समझने से। अब हम यहाँ पर बैठ के बात करें ये ठीक है वो ठीक है, सो इट्स बेटर कि डू समथिंग। मतलब इस पर बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बात करने के अलावा इन चीज़ों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि लोग सिंगल को सिर्फ बात कर सकते हैं लेकिन इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि इन्होंने हमें बताया, बाकी लोगों से भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं कि सिंगल कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना ईजी है या नहीं। तो अब इनसे जानेंगे कि सिंगल कॉन्सेप्ट पे इनकी क्या राय है, क्या इंडिया में सिंगल कॉन्सेप्ट लागू हो पाएगा? क्या लगता है आपको सर कि सिंगल कॉन्सेप्ट हम इंडिया में लागू कर पाएंगे? मैम, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सिंगल ही रहना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन अगर मेंटेन भी करनी है तो उसके लिए भी हमने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा या जो भी साइंस बोलती है कि बर्थ रेट जो है वो 2.1 रहना चाहिए। तो पॉपुलेशन तो है, अभी जैसे रिपोर्ट भी आई है कि चाइना को ओवरटेक कर लेंगे हम धीरे धीरे, बट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बड़े तरीके भी हैं, क्योंकि अभी जैसे फैमिली प्लानिंग है वो भी गवर्नमेंट के थ्रू भी फैमिली प्लानिंग होती है। तो सिंगल रहना तो ये पर्सनल चॉइस है, बट इसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना, ये तो मेरे हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए तो ये ठीक। बट इंडिया में ये लागू हो सकता है, क्योंकि इंडिया में आपको पता है टैबू सा लगता है सिंगल रहना, लाइक फैमिली प्रेशर शादी के लिए, तो क्या क्योंकि यहाँ पे शादी को लेकर ज़्यादा लोगों को वो किया जाता है, तो आपको लगता है यहाँ पे सिंगल रह सकते हैं लोग? नहीं, मैं वही बताया कि चलो सोशल प्रेशर फैमिली प्रेशर तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं, एक एज के बाद सब क्या क्या आप खुद भी देखते हो कि सब चारों तरफ आपके फ्रेंड्स सब सेटल हो रहे हैं। बट मैं वही बोला कि ये पर्सनल चॉइस है, बट हाँ इसको अगर ऐसे बोलें कि इसे पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए सोल्यूशन है, वो तो कतई गलत है। इसमें तो कंट्रोल के लिए नहीं, आपके हिसाब से पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या कर सकते हैं हम? मैम, एक तो जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, वैसे अभी जो यंगस्टर्स हैं वो भी काफ़ी इसमें अवेयर हो रहे हैं, ऐसे नहीं कि पहले का जब टाइम होता था, अब 1980s से पहले देखें तो पॉपुलेशन हमारी इतनी तेज़ी से बढ़ती नहीं थी, ये 70s, 80s, 90s में तब ये मल्टीप्लाई हुई है, खासकर जो मतलब नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। तो अवेयरनेस, एजुकेशन एंड फैमिली प्लानिंग, ये दो तीन चीज़ें मैं अगर गवर्नमेंट भी साथ दे लोगों का, तो ये सिंगल सिंगल वाले ये बेतुके से मेरे साथ बड़ा बेतुका सा है, बेतुका सा बयान है, लेकिन सुझाव है, अब हम क्या कर सकते हैं। बट बात ये है कि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रूल लाए थे, जैसे हम दो हमारे दो, ये हमने सब हर जगह पढ़ा ही है, उसके बावजूद भी जनसंख्या का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम शायद भारत के नंबर वन बन जाएंगे पॉपुलेशन के। नहीं मैम, ये आप अगर देखेंगे डेटा देखेंगे तो ये अभी जो पर जो बर्थ रेट है वो कम ही हुआ है, कम ही हुआ है, और ऐसा नहीं है क्योंकि जो पीछे के जो लोग हैं वो तो जो मल्टीप्लाई तो होते रहेंगे, बट विद टाइम जैसे 2040, 2050 के बाद हमारा जो वो है पॉपुलेशन कम ही होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी शुरू। तो एक एसेट भी, अभी रशिया को देख लो, रशिया को लोग चाहिए, उनके पास मर्द नहीं है लड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं है एक इसको वो भी एसेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी हाँ, फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे बहुत इंप्रूव होती है, जितनी बड़ी फैमिली होगी हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको रिसोर्सेज भी चाहिए, और सीइंग द अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड हियर और क्वालिटी ऑफ लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हाँ, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन और अवेयरनेस, ये दो तीन चीज़ें अगर हैं तो पॉपुलेशन कंट्रोल आराम से हो सकती है। और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो क्या हमारे देश के लिए विकास की गति को धीमी करती है? यस मैम, अगर विकास की गति और इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कमी है और क्वालिटी ऑफ लाइफ में कहीं कमी है और जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इतने नीचे रहते हैं, उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो पॉपुलेशन है, क्योंकि रिसोर्सेज तो हैं लेकिन रिसोर्सेज पे बर्डन इतना है, हम गवर्नमेंट को बोल देते हैं कि हाँ करप्शन बड़ी है, ये है वो है, बट प्रेशर इतना है उन रिसोर्सेज पे कि वो कंज्यूम नहीं कर पाते। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी तो रिसोर्सेज ये वो हर एक बंदे के पास एंड तक वो पहुंचना बहुत इजी हो जाता है, और कोई अगर फैसिलिटी है वो भी इजीली सबको प्रोवाइड हो सकती है। अब ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल्स की कमी है, बट लोग इतने बीमार हैं, हैं ही इतने ज़्यादा होते, मतलब प्रपोर्शन तो उतना ही है, बट वो अगर उसको उसका रेशो निकालेंगे तो वो लोग बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और पर डॉक्टर के हिसाब से उनका पेशेंट्स का इतना बर्डन होता है कि क्वालिटी ऑफ मतलब वो आप दे नहीं पाते उनको ट्रीटमेंट। तो पॉपुलेशन का बर्डन बहुत ही बड़ा है, ऐसा छोटा नहीं है। अब जैसे एरिया तो है, यूएस का एरिया हमसे ज़्यादा है, बट पॉपुलेशन उनकी 1/3 है। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा कर लिया है, बट उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में है, लोग उनके पास इतने हैं कि उनके रिसोर्सेज वो वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक है, पॉपुलेशन का ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर है,
तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में। तो इनका भी कहना है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन सिंगल रहना ये कोई उपाय नहीं है। गवर्नमेंट को और कोई नए रास्ते ढूंढने चाहिए जिससे हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर पाएं। इनसे हमने जाना, बाकी और लोगों से भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। सिंगल कॉन्सेप्ट को लेकर आज हम लोगों के बीच पहुंचे हैं और हमारे साथ कुछ युवा खड़े हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनको क्या लगता है कि सिंगल कॉन्सेप्ट इजी है इंडिया में। सर, आपको क्या लगता है कि जो सिंगल कॉन्सेप्ट है वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए इजी है इंडिया में? नहीं, सिंगल कॉन्सेप्ट इंडिया में इजी नहीं है। जैसे फैमिली प्रेशर पै जाते हैं, मैरिज करना बहुत लोगों के लिए कोई मजबूरी बन जाती है। और सरकार को चाहिए कुछ रूल चलाने, जैसे सिंगल चाइल्ड होना चाहिए। वैसे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 बनने वाला है कि पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल हो पा रही है, लेकिन गवर्नमेंट रूल्स बना रही है लेकिन लोग उसे फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि हम दो, हमारे दो भी एक रूल बनाया था, उसको शायद लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं। ऐसे वेल एजुकेटेड लोग पीपल हैं वो तो इसको रूल को अपना रहे हैं। वैसे अदरवाइज जो जिन्होंने मतलब कि स्टडी नहीं की है, और जैसे हम देखते हैं गाँव में, वो लोग नहीं इसको अपना रहे हैं। उनको अपनाना चाहिए, फिर ही होगा। क्योंकि सिंगल जो है हम लोग फ्रेंड्स में भी देखते हैं, टैबू बना दिया गया है इस चीज़ को। लेकिन आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सिर्फ सिंगल रहना इजी नहीं है, या फिर सोसाइटी नहीं हमें रहने? सोसाइटी नहीं रहने देती। जैसे कुछ लोग सिंगल रहना चाहते हैं जिनको उनके फैमिली प्रेशर पड़ जाता है, सोसाइटी का प्रेशर पड़ जाता है। अगर वो मैरिज भी करते हैं तो सिंगल चाइल्ड होना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चाइल्ड, अदरवाइज नहीं तो काफ़ी मतलब कि हम देखते हैं 4 चाइल्ड, और वो नहीं होना चाहिए। जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया विकास कर पाएगा? क्योंकि जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्सेज कम है, तो क्या विकास कर पाएगा इंडिया? नहीं, हम देखते हैं ना, जैसे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ के स्टूडेंट्स स्पेशली पंजाब के कैनेडा जा रहे हैं, वही कारण है, बड़ा कारण है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब्स कम है। इसीलिए मतलब कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए सरकार को कुछ रूल चलाने चाहिए। इस वक्त जनसंख्या का मुद्दा हर तरफ गर्म है, हर तरफ से राजनीतिक बयान सामने आ रहे हैं, और नागालैंड के एक मिनिस्टर के बयान पर हमने लोगों से उनकी राय जानी कि क्या सिंगल कॉन्सेप्ट इंडिया में इजी है। और बहुत से लोगों ने अपनी अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि इंडिया में शायद इसे इतना ज़्यादा नहीं माना जाएगा, या कुछ लोग मानना भी चाहते हैं। तो आज हमने इस मुद्दे पर लोगों से उनकी राय जानी है। हम अगली बार नया मुद्दा लेकर आपके सामने फिर से पेश होंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।